लॉकडाउन जैसी स्थिति आ चुकी है, फिर से कोरोना संक्रमण उसकी दूसरी लहर कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों को क्या संदेश देंगे इसके रोकथाम के लिए। देखिए, अभी तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि सरकार को जितनी तैयारियां करना चाहिए थी तैयारियां नहीं की। जहाँ तक लोगों की बात है तो लोगों को ज्यादातर घरों पर रहना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए, हाथ धोते रहना चाहिए और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। संक्रमण या रिस्टेल से नहीं फैल रहा है और संक्रमण संपर्क से नहीं फैल रहा है और बहुत खतरनाक संक्रमण है। आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की चारों तरफ सभी स्टेटों में सभी हॉस्पिटलों में कमी है, चारों तरफ से मैसेज आ रहे हैं। मैं तो लोगों से यही निवेदन करूंगा कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अगर इस तरह की खांसी जुकाम होता है तो घर पे ही प्राथमिक ट्रीटमेंट करें, गरारे लें और प्राथमिक उपचार करने के बाद ज्यादा दिक्कत आती है तब हॉस्पिटल में जाएं, आइसोलेशन लेके और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें नियमित रूप से और कोरोना से बचें और देश को बचाएं। जी जी रामनिवास जी, हम जानना चाहेंगे आप अपने वार्ड की जनता को क्या मदद दे रहे हैं अपनी तरफ से, जरूरतमंद लोगों को और फिर किसी को भी क्या मदद दे रहे हैं? हम अपनी तरफ से लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, लोगों को खाना भी दे रहे हैं और वैसे मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है पूरा, तो कोरोना का संक्रमण भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है और यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो अभी इतना खतरनाक नहीं है, निकल के भी आ रहा है, तो लोगों का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का इम्यूनिटी पावर इतना अच्छा है कि वो मोर्टिलिटी रेट बहुत न्यून है ही नहीं, वो ठीक हो रहे हैं लोग। सर्दी जुकाम होता है, लोगों को टेस्ट भी कम करा रहे हैं, टेस्ट कराते भी हैं, निकलता भी कुछ लोगों को निकलता भी है, तो वो ठीक भी हो रहे हैं बराबर। जी जी रामनिवास जी, सक्षम न्यूज जिले के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। धन्यवाद। आपने इतने नंबरों से कॉल किया कि मैं कंफ्यूज हो गई। अरे वो नंबर आवाज ही नहीं आ रहे थी ना, ग्रामीण क्षेत्र में विजयपुर में यार सिग्नल भी बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। मेरे क्षेत्र में यादव, रावत, गुजर और ट्राइबल्स बहुत हैं। जी जी जी, शुक्रिया राम निवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।